धन्यवाद जोड़ो 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 कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। और इस पदयात्रा में हमसे लोग मिलकर हमें उनका दर्द बताते हैं। पूरा हिंदुस्तान अपना दर्द, अपना दुख इस यात्रा को बताता है। मतलब पदयात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है, आपकी बात सुनने का है। लोकतंत्र में मीडिया होती है, पार्लियामेंट होता है, ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। मीडिया में हमारी बात नहीं कही जाती, पूरा कंट्रोल सरकार का मीडिया पे रहता है। पार्लियामेंट पे हम कुछ बोलना चाहें वहां हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। जनता के साथ हजारों किलोमीटर चलने का रास्ता यही विपक्ष के पास आज बचा है।